Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. कैसे हैं आप सब और अनलॉक पीरियड आप सबका कैसा चल रहा है? ये सब मैं पूछ रही हूँ बिकॉज मैं अभी घर पर ही हूँ एंड आई हैवंट येट स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम. अभी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, रादर न्यू नॉर्मल हो रहा है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो हाउ यू ऑल आर फीलिंग, कैसा आप लोगों को लग रहा है, हाउ यू ऑल आर टेकिंग प्रिकॉशंस एंड सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं. मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ. ज्यादातर मैंने ओजीवा के वीडियोज के नीचे कमेंट्स पढ़े हैं कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे ओजीवा प्लांट विटामिन ई कैप्सूल के यूजेज के बारे में बताने के लिए और वो कितना हद तक इफेक्टिव है. मतलब मुझे इस्तेमाल करके मेरा ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है. इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही नहीं, मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी डीएम रिसीव हुए हैं. सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे मैं तो हैरान हूँ ही, लेकिन आप सब भी दंग रह जाओगे. वैसे तो मार्केट में बहुत सारे विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलते हैं और आज मैं आप सभी के साथ इन दोनों विटामिन ई कैप्सूल्स का कंपैरिजन करूंगी. इस विटामिन ई कैप्सूल को मैंने अपने लोकल फार्मेसी से परचेज किया है एंड ये है ओजीवा प्लांट विटामिन ई कैप्सूल्स. सो इन दोनों विटामिन ई कैप्सूल्स में मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ आज. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये विटामिन ई कैप्सूल जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है, ये सिर्फ विटामिन ई का एक्सट्रैक्ट है. बट ओजीवा प्लांट विटामिन ई इंडिया का पहला और 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन विटामिन ई है. ओजीवा विटामिन ई कैप्सूल में सिर्फ और सिर्फ विटामिन ई एक्सट्रैक्ट ही नहीं, आर्गन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एलोवेरा ऑयल भी है जो हमारे स्किन पर एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और हेयर स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है. ओजीवा के सारे प्रोडक्ट्स ही वीगन, सोय फ्री, ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री होते हैं और कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या ट्रांस फैट एडेड नहीं होते, कोई प्रिजर्वेटिव्स भी एडेड नहीं होते हैं. तो अब देख लेते हैं कि इन दोनों विटामिन ई कैप्सूल्स में क्या क्या डिफरेंस है. इस विटामिन ई कैप्सूल में जो आउटर कवरिंग है वो बहुत ही हार्ड है, तो वो प्लास्टिक या सिंथेटिक से बना होता है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर बॉडी. लेकिन ओजीवा विटामिन ई कैप्सूल नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है और उसका 2 times फास्टर अब्सॉर्प्शन रेट है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक विटामिन ई जो मार्केट से हम लोग खरीदते हैं. थर्ड और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने कभी भी किसी को ये जो विटामिन ई कैप्सूल हम लोग मार्केट से खरीदते हैं इसे कंज्यूम करना नहीं देखा है. मैंने जिसको भी देखा है वो इसका जो आउटर कवरिंग है उसे निकाल देते हैं, सिर्फ विटामिन ई ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने स्किन केयर के लिए और हेयर केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इसे कंज्यूम नहीं करता. लेकिन ओजीवा प्लांट विटामिन ई कैप्सूल्स आप कंज्यूम भी कर सकते हैं और उसे आप स्किन केयर और हेयर केयर के लिए मतलब एक्सटर्नली भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो 2 in 1 फायदे. आप इस विटामिन ई कैप्सूल को अपने फेस पैक्स, हेयर पैक्स पर ओजीवा प्लांट विटामिन ई कैप्सूल्स के क्या क्या फायदे हैं? डल स्किन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है और स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है. विटामिन ई के मॉइस्चराइजिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज है जो स्किन बैरियर फंक्शन को स्ट्रेंथन करता है. कई बार स्ट्रेस की वजह से अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर, एनवायरमेंटल चेंजेस, एयर पोल्यूशन से स्किन में जो डैमेज होता है उससे प्रिवेंट करता है. इनफैक्ट ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फाइट भी करता है और स्किन को प्रोटेक्ट करता है. जब हम कुछ एक्सटर्नली इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो या फिर उसका रिजल्ट मिलने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर हम लोग उसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है, उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्दी दिखता है. तो अब इस विटामिन ई कैप्सूल को हमें लेना कब है? लंच के 1 घंटा बाद या फिर डिनर के 1 घंटा बाद आप इस विटामिन ई कैप्सूल को कंज्यूम कर सकते हैं. आपको ये ध्यान में रखना है कि आप डेली सिर्फ 1 कैप्सूल को ही कंज्यूम करें, उससे ज्यादा नहीं, और आप डेली बेसिस पर इसे कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर आप 18 इयर्स के अबाव के एज की है देन आप इस कैप्सूल को कंज्यूम कर सकते हैं. मेन, वुमेन, एवरीवन कैन कंज्यूम दिस कैप्सूल. और अगर आप पूछ रहे हैं कि मैं किस टाइम इसे लेती हूँ, तो मैं लंच के 1 घंटा बाद इस कैप्सूल को मैं कंज्यूम करती हूँ. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप सबको ये जो कंपैरिजन वीडियो है इससे हेल्प हुई है. आई रियली
आई होप कि आप सबको बेनिफिट मिलती है मेरे वीडियोस से। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताना, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड बाय।